हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी हम सब लड़कियाँ निकल गए हैं कॉलेज से प्रैक्टिकल के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल देने के लिए किसी और स्कूल में। ठीक है, तो हमें हमारे स्कूल ड्रेस में ही जाना था, तो स्कूल ड्रेस में ही हम लोग सारे लोग थे, और एक बस में पूरे भर के इतनी सारी लड़कियाँ थी, सब लोग जा रहे थे हम लोग प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने। और ये देखो मौसम कितना अच्छा हुआ, जब ही इधर निकले बलिया की तरफ एकदम बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग पूरा बस का मज़ा लेते हुए एंजॉय करते कॉलेज में पहुंच गए हैं, सॉरी स्कूल है ये, तो इस स्कूल में पहुंच गए और यहाँ पे होगा हमारा प्रैक्टिकल। तो बस यहाँ पर लगेगा कुछ टाइम, प्रैक्टिकल देंगे हम लोग, और जितना टाइम लगेगा 3 साढ़े 3 बजे के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद फिर सीधे मैं घर जाऊँगी, घर जाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो गाइज, कल था मेरा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल देने हम लोग गए थे बलिया, तो कल का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए मैं कल ज़्यादा कुछ भी अपना शूट नहीं कर पाई थी, वीडियोस वगैरह, बिकॉज फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया था, बारिश भी हो रही थी, लाइट भी नहीं थी। फिर आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज पता है सुबह से क्या प्रॉब्लम हुई है, हमारे घर सिलेंडर ख़त्म हो गई है, और मेरा भाई एक इतना ज़्यादा बदमाश है कि वो सिलेंडर टाइम से लाता नहीं है, कभी घर पर 2 सिलेंडर नहीं रखेगा, और रहेगा भी तो मेरे रेस्टोरेंट में रहता है, वहाँ से आता है। तो इसकी ये प्रॉब्लम है ना कि ये मतलब टाइमली कुछ भी काम नहीं करता है, लाता भी नहीं है। तो आज हम लोग सुबह से भूखे हुए थे, अभी जाके ये सिलेंडर लाया है, तो बेचारी शिवानी खाना बना रही है, क्योंकि मम्मी मेरी यहाँ पे नहीं है, मम्मी पापा लोग गांव पे गए हैं, कुछ काम है तो इसलिए वो गाँव गए हैं। जब मम्मी नहीं रहती है तो बहुत अजीब लगता है, बिकॉज़ यहाँ पर सब चीज़ में प्रॉब्लम होती है, खास करके काम वाम में। अभी इसको मतलब होता है ना कि भाई बहन भी तो संग के ही होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मम्मी है कि अपना कुछ भी कर देती है। अजय सर भी सुबह में बोल रहा था कि नानी रहती तो कितना अच्छा होता, मेरे लिए लंच बना देती ना। तो फिर अजय का तो खैर आज फ्राइडे है, छुट्टी हो गया है, 2 दिन की छुट्टी है, शायद इसकी जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं आई थी, तो जन्माष्टमी मंडे को है ना। तो पता है मैं सोच रही थी ना कि जब तक खाना पीना बन रहा है तो मैं मार्केट चली जाऊँ, मुझे कुछ काम था, मैं क्यों जाऊँगी मार्केट, मैं आपको आगे बताऊँगी, सोने दो उसको। तो मुझे जाना था मार्केट, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि मीना खाना खाए नहीं जाना है, पहले तुम खाना खाओ उसके बाद तुम जाना। तो अभी हमारा खाना पीना बन रहा है, पहले हम लोग खाना खाएंगे। मैं ये वाला सूट पहन ली थी, ये सूट पहन के मार्केट चली जाऊंगी, बट अथर भी सो गया है, अथर को लेके जाऊंगी, आज कोई है नहीं घर पे, किसको रखूंगी। तीज की शॉपिंग करनी है, तीज के लिए कुछ कुछ चीजें खरीदनी है, किसी से मिलने भी जाना है, तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे, पहले खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। गाइज, आपको कैसा लगा? मेरा सिल्वर प्ले बटन आया है, और बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ सवाल जवाब है, मैं सबका सवालों का जवाब दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, बस आप मेरी वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आज इतना मेहनत करने के बाद हम लोग को खाना कब मिल रहा है? मेहनत करने के बाद सौरभ ने खाया, इतना लेट आज खाना मिल रहा है, देखो। तो गाइज, बस सडनली निकल गए मार्केट, और मार्केट आ गए हैं सोनार के शॉप पे। पता है आज मुझे ना पहले का कुछ काम मेरा पेंडिंग रह गया था, तो उसी काम को पूरा करना था। जैसे मैं आपको बताई भी थी किसी वीडियो में कि कुछ हाफ पेमेंट मैं पे की थी किसी चीज़ के लिए, तो बस उसी को पूरा करना था, और भी बहुत सारे प्रोसेस थे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सोनार के दुकान पे, और यहाँ पे मैं ब्रिज बाली देख रही हूँ। मुझे ना इस टाइप की बाली लेनी थी, ब्रिज बाली जो होती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद था मुझे, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से लाइक नहीं मतलब कुछ टाइम से सोच रही थी, तो मेरे माइंड में था कि तीज में लेना है या फिर धनतेरस में लेना है, तो मैं सोची धनतेरस तो अभी काफ़ी टाइम है, तब तक कोई और चीज़ देखेंगे, फिलहाल तीज के लिए देख लेते हैं। तो तीज के लिए भी मैं शॉपिंग करने आ गई हूँ, और भी कुछ करूँगी, बट यहाँ पर अथर्व को लेके मैं बैठी हूँ, और सोनार के दुकान पर ये बहुत परेशान करता है, इसलिए इसको मैं ना मोबाइल दे देती हूँ, अपना कार्टून वगैरह देखता रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी अपना इयरिंग देख रही हूँ, जो इयरिंग मुझे पसंद है, तो गाइज आप देख सकते हो, अच्छे से रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है, बट यही वाला इयरिंग मैं लेने वाली हूँ इस तीज में, और इसका पेमेंट वगैरह का कुछ इशू आ रहा था, तो मैं जो भी पेंडिंग था वो मैं क्लियर करने आई थी, पहले से ही काम मेरा था यहाँ पर, तो मुझे आज कैसे भी यहाँ पर आना ही था,
तो मैं अपना आई यहाँ पर, अपना काम की और बाकी और भी कुछ कुछ चीज़ें देखी, उसके बाद आ गई हूँ मैं रेस्टोरेंट में। बहुत तेज़ भूख लगी थी तो थोड़ी देर के लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की और अपने लिए हक्का नूडल्स। तो फिर हम लोग यहाँ पे खाएंगे। खाने पीने के बाद मैं आ गई घर। घर आने के बाद फिर मैं भुट्टा पकाई और भुट्टा पका के खाने लगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो बस हेलो जी, तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। क्या हुआ यार? थोड़ा एक और पला कर लो। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और पता है मैं ना गई थी मार्केट में, पार्लर में भी गई थी, वहाँ पे भी कुछ काम था। फिर मैं वहाँ का कुछ सूट नहीं कर पाई और बाकी मैं गई थी सोनार के दुकान पे, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ काम था जो कि आपने ब्लॉग में देखा। और फिलहाल मैं तीज स्पेशल कुछ आपको साड़ी दिखा रही हूँ। देखो मैं मार्केट से क्या ही साड़ी खरीदूंगी, आपको भी पता है कि प्रमोशन के लिए डेली साड़ियाँ आती रहती हैं, तो मैं मार्केट से आजकल कपड़ा साड़ी वगैरह नहीं खरीदती हूँ, चूड़ा वगैरह भी नहीं लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक चूड़ा दिखा रही हूँ और ये देखो तीज के लिए ये मैं चूड़ा मंगाई हूँ। इतना प्यारा चूड़ा है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर पर्सनली मैं ये मंगाई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। दिव्या स्टाइल कलेक्शन के पेज से चूड़ा मंगाई हूँ। ये देखो चूड़ा इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। जो इसमें नग लगे हुए हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट है, और सबसे जो भी मैं चूड़ा जितना भी चूड़ा पहनी हूँ उन सबसे ये चूड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। और पर्सनली मैं ये तीज के लिए ही मंगाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। एंड ये पूरा व्हाइट कलर है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, छोटे छोटे कलर हैं, ग्रीन है, रेड है, पिंक है, येलो है, तो छोटा छोटा कलर है। बट जैसे कलरफुल पूरा चूड़ा होता है ना, लाल पीला हरा, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा फैंसी डिजाइन है इसका। एंड ये देखो इसकी मोती लगी हुई है, तो काफ़ी खूबसूरत कंगन है, काफ़ी खूबसूरत इसमें चूड़ा है। वैसे मैं इसको पूरा ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द मैं इसको पहनने वाली हूँ, तो जब मैं पहनूंगी ना तो आपको और अच्छे से भी दिखाऊंगी। ये देखो इसका कलेक्शन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा चूड़ा है। तो इसको साइड करते हैं। अब मैं आपको तीज स्पेशल एक बांधनी चुंदरी टाइप में साड़ी दिखा रही हूँ। साड़ी का जो फैब्रिक है वो आपको दिख रहा है, रेड कलर की साड़ी है, बिल्कुल भी सितारा मोती वाला ताम झाम नहीं है, एकदम धागे की रेशम की कढ़ाई की हुई है। और जो इसका बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भवा, मतलब तीज में पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सदा सौभाग्यवती भवा लिखा हुआ है। और जैसे चुंदरी वगैरह में लटकन रहते हैं ना, वैसे इसमें लटकन लगे हुए हैं। और साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा ये वॉलवेट है और वॉलवेट पे कढ़ाई किया हुआ है। एंड इसको देखो बहुत सुंदर साड़ी है यार, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये साड़ी और ये चूड़ा दोनों मैं दिव्या स्टाइल कलेक्शन से मंगाई हूँ, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। बाकी आज मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ है, तो इस साड़ी को भी मैं दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, तो मैं अगर आप चाहोगे तो मैं दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट आज के लिए मैं दो ही दिखा रही हूँ। और देखो उस वाली साड़ी का ना मैं ब्लाउज भी स्टिच करवा ली हूँ, तो बाजू का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है ब्लाउज। तो ब्लाउज भी मेरा रेडी हो गया है, बस इसको पहनना है, चूड़ा वगैरह भी रेडी है। और ये देखो ये जो साड़ी मैं मंगाई हूँ ना तीज के लिए, तो ये भी बहुत प्यारा है। हाँ तो ये भी साड़ी बहुत अच्छी है, अगर आपके घर में आपको पहनना हो तो आप ले सकते हो, या फिर आपकी मम्मी भाभी अगर कोई इस टाइप में है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और ये देखो प्योर सिफोन कपड़ा है, एक तो चुंदरी पैटर्न में है, सिफोन कपड़ा है, एक मुट्ठी का कपड़ा है, और दूसरा इस पे ना मोती का वर्क है। ये देखो पूरी साड़ी मोती का वर्क है, इतना मतलब प्यारा वर्क है ना कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। वैसे मैं अगर आपको साड़ी कलेक्शन दिखाऊं ना तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन अभी मैं साड़ी कलेक्शन बंद कर दी हूँ अपने चैनल पर, बट मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँ जितना नया नया कलेक्शन है आप सबके साथ शेयर करूँ। और ये है इसका ब्लाउज, तो इसका ब्लाउज तो खैर आज ही आया है, तो ये ब्लाउज अभी स्टिच नहीं हुआ है। ये देखो इसमें भी मोती का कढ़ाई है और ऐसे बाजू पर डिजाइन आएगा पूरा, ऐसे ये ब्लाउज है सिंपल रेड कलर का। तो ये बहुत ही अच्छी, ये बहुत ही अच्छी साड़ी है गाइज, आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के पेज से ले सकते हो। और इसका पेज मुझे रिसेंटली अभी याद नहीं आ रहा है कि ये कौन भेजा है, जैसे ही मैं एक बार चेक करती हूँ कि कौन ये भेजा है तो मैं आईडी मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, आप देख लीजिएगा ठीक है।
फिलहाल कल मुझे कुछ साड़ियों का कोलाबेशन करना है। आज तो मैं पूरा दिन बिजी ही रह गई थी, मार्केट चली गई थी, बारिश भी हो रही थी, तो मैं आज कोई भी सूट नहीं की। लेकिन कल मैं कोशिश करूंगी कि एक न्यू साड़ी का, दो न्यू साड़ी का कोलाबेशन कर लूं, बिकॉज हम लोग के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारे लोग पूछते हैं कि मैम मेरा कब करेंगी, मेरा कब करेंगी, तो धीरे धीरे भाई सबको निपटाना होता है, सबका कोलाबेशन करना होता है, तो इसी में अपना काम करते रहना चाहिए। और मेरा तो है ही काम, तो मैं करती ही हूँ। बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को एंजॉय करो। और अभी हमारा खाना पीना होगा, तो आपको पता है मैं बताई भी थी कि मेरी मम्मी नहीं है अभी, तो मैं रेस्टोरेंट से अभी सब्जी लेके आई हूँ, मिक्स भेज सब्जी लेके आई हूँ। बस शिवानी रोटी वगैरह बना देगी, सैलड वगैरह हो जाएगा, तो आज रात का हमारा खाना हो जाएगा। रिमोट गाड़ी कहाँ रखे थे आप रिमोट गाड़ी बेटा? ऊंची रूम में था। तो छोड़ दो ना, चलो अब सोने चल, चलो सुला दो आपको, सो जा। तो इन सबको मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब मुझे पहनना होगा तो मैं पहनूंगी। और अभी तीज के लिए भी कुछ साड़ी ऑर्डर की हूँ मैं, तीज स्पेशल साड़ी, जो कि कुछ तामझाम में भी वर्क वगैरह भी है और कुछ सिंपल सिल्क टाइप की भी साड़ियाँ हैं। तो अभी कोई भी साड़ी मेरे पास आई नहीं है, जैसे ही वो सब साड़ी आती है मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी एंड आप सबको दिखाऊंगी भी। और जो तीज में पहनना होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नॉर्मल ही साड़ी पहनूँ, बिकॉज फास्टिंग में थोड़ा सा हैवी ज़्यादा दर, बट देखती हूँ। नॉर्मल तो मैं पहनती नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, नॉर्मल साड़ियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोलाब्रेशन में अगर मैं कर दूँ तो कर दूँ, लेकिन मैं नॉर्मल बहुत कम पहनती हूँ। पहनूंगी जब साड़ी तो हैवी ही पहनूंगी, नहीं तो फिर सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती नहीं हूँ। ठीक है, तो अथर्व को सुला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे।